प्रवीण हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, आप जानकारी मिल रही है सभी यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पहुंचा दिया गया है। जी बेशक, यहाँ पास भी आउटर का इलाका है, तो पास से जो लिंक रोड निकल रही सर्विस लेन रोड, वहाँ पर प्राइवेट बसों को, सरकारी बसों को, जो लोकल की बसें हैं उनकी यहाँ व्यवस्था जिला प्रशासन ने करी, और यात्रियों को उन्हीं बसों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से जो कानपुर सेंट्रल है उसकी दूरी 10 से 15 किलोमीटर की है, ऐसे में लोकल का कन्वेंस जो है वो पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि यात्री अपने गंतव्य को जा सके। अहमदाबाद जाने की ट्रेन बड़ा रूट था, ऐसे में लोग रात का समय होता है 2:30 बजे सो रहे होंगे, एकाएक झटका लगा होगा लोगों को, और एक बार लोगों को दहशत में भी लोग आए होंगे कि फिलहाल ऐसा क्या हादसा बड़ा होने से टला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार तस्वीर दिखाएंगे, अमूमन चूंकि ये जो लाइन है ये यहाँ से बड़ी रूट की ट्रेनें गुजरती हैं, तो ऐसे में दूर तक जो रेलवे का ट्रैक है वो पूरी तरीके से पलट गया है, यानी ये अपने आप में खास बात है। हादसे हम लोगों ने देखे हैं, पहले भी रेल हादसे देखे हैं लेकिन इस तरीके से नहीं देखे। देखिए ये पटरी जो है यहाँ पे बनी, ये पटरी मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ये लगभग ये 1 किलोमीटर के दायरे में पटरी की स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति हो गई है, यानी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो मेंटेनेंस नहीं कर पाए हैं इसका, इसको ध्यान में जो लगातार इसकी चेकिंग होती रहती है कि ट्रैक हमारा मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, तो लापरवाही किसकी है, फिलहाल तो जांच में सामने आएगा। अगर कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी इस चक्कर से, क्योंकि 22 डिब्बे डिरेल हुए हैं, ऐसे में बड़े हादसे को दावत तो एक दे ही रहा था। प्रवीण, एक बार फिर से ट्रेन के अंदर जरा देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि अच्छी बात तो ये रही कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्या ट्रेन भी क्षतिग्रस्त हुई, क्योंकि आप बता रहे हैं हादसे बहुत सारे हुए, लेकिन यहाँ अगर एक बड़ा हादसा टला है, अगर कुछ जनहानि होती तो बहुत ज्यादा होती, क्योंकि पटरी से जिस तरीके से उतर रहे हैं डिब्बे, जाहिर सी बात है हादसा बड़ा हो सकता था। जी बेशक, एक बार ट्रेन के अंदर हम चल के तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाँ कुछ देखिए यात्रियों में थोड़ी सी मुझे लगता है कि भय रहा है, एक सिंगल या चप्पल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जो किसी यात्री की ही रही होगी, और चूंकि देर रात का 2:30 बजे का मामला, इसलिए देखिए दिन में अक्सर ये लोग जो बीच की सीटें होती हैं ये लोग बैठने के लिए फोल्ड कर लेते हैं, यानी यात्री आप जाहिर सी बात 2:30 बजे गहरी नींद में रहे होंगे, तो ऐसे में जिस समय उनको ये ट्रेन डिरेल हुई है कि लंबा उनको झटका लगा होगा, दहशत में लोग आ गए होंगे। फिलहाल क्योंकि किसी का कोई सामान यहाँ पर छूटा नहीं है, कोई कैजुअल्टी जरा सा भी कहीं ब्लड भी दिखाई नहीं दे रहा, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोई कैजुअल्टी यहाँ पर नहीं है, किसी को कोई खरोच चोट वोट नहीं आई है। फिलहाल लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, और ट्रेन के अंदर कोई जरा से भी मतलब गड़बड़ी नहीं दिख रही है ऐसे में, यानी पटरी सिर्फ डिरेल हुई है, अगर ये डब्बे में कोई बड़ा हादसा होता तो शायद किसी को बचा पाना यहाँ पर मुश्किल था। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम अंदर आपके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी हुई है, यानी अंदर की तस्वीरें साफ, जिस तरीके से ट्रेनें रहती हैं वो स्थिति बनी हुई है, किसी का कोई सामान बिखरा नहीं है, यानी यात्री जो है वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ से लोकल बसों के माध्यम से कानपुर सेंट्रल के लिए गए हैं, और वहां से कौन सी ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी ये फिलहाल तय किया जाएगा, लेकिन आउटर का क्षेत्र है, स्टेशन से काफी दूर ये पड़ता है, ऐसे में देखिए लंच बॉक्स भी रखे हैं तमाम लोग, ये देखिए यहाँ पर एक घी का डिब्बा किसी पर यात्री का यहाँ पर छूटा हुआ, लोगों जल्दीबाजी में यहाँ भगे हैं, ये यहाँ पर इसमें भी कुछ सामान साथ मुझे लगता है रखा हुआ है, तो छोटा मोटा लोग जो जल्दी के चक्कर में यहाँ पे गए हैं, फिलहाल यात्री यहाँ पर एक भी मौजूद नहीं है, और ट्रेन के अंदर कोई नुकसान नहीं फिलहाल दिखाई दे रहा है, बीच की सीटें खुली है तो इससे तय किए माना जा सकता है, क्योंकि 2:30 बजे अक्सर मूवमेंट ये रहता है कि जब रात होती रोज लोग रात में 12-1 बजे अपने चूंकि सीट पर सो जाते हैं, तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि रात में ऐसी कोई दुर्घटना हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूर का जब मामला होता है, अहमदाबाद यहाँ से काफी लगभग मुझे मेरे हिसाब से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी यहाँ से अहमदाबाद की बची होगी, तो ऐसे में यात्री पूरी निश्चिंत तौर पर रात में सो जाते हैं, फिर सुबह चूंकि 24 घंटे से पूरे ऊपर की यात्रा उनको करनी होती है, तो अपने बिल्कुल गहरी नींद में रहते हैं, उनको शायद ये भरोसा भी नहीं होता कि ऐसा भी कोई हादसा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा उनके मन में एक दहशत फैला देता है कि आखिरकार में आज हम ट्रेन में भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। जो आसपास लोग दिख रहे हैं पटरी के आसपास, ये आम यात्री हैं या इसी ट्रेन के यात्री हैं, क्योंकि वैसे तो जानकारी मिल रही है कि सभी यात्रियों को कानपुर सेंट्रल शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो आसपास बैठे हैं इसी ट्रेन के आसपास, ये कौन से यात्री हैं भाई, लोकल के हैं या फिर इसी ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री हैं? जी ये लोकल के लोग हैं जो यहाँ आउटर में रहते हैं, और देखिए मैं भीड़ एक बार दिखाऊंगा, वो जो चूंकि बड़ा आउट आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जंगल टाइप एरिया है,
झोपड़पट्टी के लोग रहते हो, भीड़ काफी वहां पर दिख रही है, ये लोग देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कितनी यहाँ पर भीड़ दिख रही है। एक हमारे साथ में ये रेलवे के कर्मचारी है एनडीआरएफ के, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ देखा आपने सर, क्या जिस समय आप लोग आए क्या कंडीशन थी यहाँ पर? आए हैं करीब 4:30 बजे का सर, क्या क्या देखा उस समय, क्या क्या स्थिति थी? लगभग भीड़ नीचे उतर गई थी यात्रियों की भीड़, और यात्री सुरक्षित थे, सबको जो है पैसेंजर में कोई कान कुछ पकड़ के ना जो है किसी कोई चोट वोट नहीं दिखाई, कोई नहीं, कोई यात्री खड़े सामने, कोई भी कर्मचारी खड़े सब। चलिए तो ये देखिए बाहर की एक बार स्थिति दिखाएंगे ट्रेन की स्थिति की, यानी थोड़ी ये घटना बहुत बड़ी घटना को दावा मतलब एक बात प्रकार से माने तो एक बड़ी घटना यहाँ घट सकती थी। ट्रेन पलटी जो डिरेल हुई है बहुत ही भयंकर तरीके से डिरेल हुई, इसको हम ये शब्द कहना हमारे लिए गलत नहीं होगा कि बहुत ही भयंकर तरीके से डिरेल हुई है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ की जो पटरियां है वो पूरी तरीके से पलट गई है। ये ऐसा तभी होता है जब रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं होता है, जिन सीढ़ियों पे चढ़ के इसी सीढ़ियों पे चढ़ के हम लोग ट्रेन के ऊपर जाते हैं और इसकी हाइट ऊंचाई लगभग यहां से लेके 1.5 फीट रहती है, ऐसे में ट्रेन पूरी तरीके से इस तरफ झुक गई है और दोनों तरफ की पटरियों के हालात एक बार हम दिखाएंगे नीचे के। देखिए ये पटरियां पूरी तरीके से पलट गई, ट्रेन के कुछ पार्ट। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, अच्छी बात ये है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, कानपुर सेंट्रल में इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में उनके गंतव्य के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। और क्या वजह रही जो पटरी से डिरेल हुई है ये ट्रेन, इसकी जाँच अब शुरू हो चुकी है।